गाइस स्टारबक्स पे ना मैं ऐसी आज कॉफी पीने वाली हूँ जो है पूरे 500 रुपए की, ठीक है। इससे महंगी कॉफी नहीं है, ठीक है। 500 रुपए में ना मेरे शायद 3 महीने की कॉफी आती होगी नेस्कैफे वाली, जो 10 रुपए वाली आती है ना, मतलब मैं 3 महीने में पीती हूँगी। जो आज मैं एक 500 रुपए की कॉफी पे खर्चा है मैंने स्टारबक्स में, लाइक सीरियसली 500 रुपए, बिल देख लो, पूरे पैसे दिए हमने। एक्चुअली बिल पे 700 समथिंग लिखा है क्योंकि एक और चीज़ मैंने खरीदी और आसपास स्टारबक्स में सब मुझे देख रहे हैं क्योंकि मैं कंटेंट क्रिएटर हूँ और मुझे कंटेंट बनाना है। सो सिप लेकर देखते हैं। दिस वाज दी मोका कुकी क्रम्बल फ्रैपेचिनो। सो फ्रैपेचिनो और कैपेचिनो में डिफरेंस, फ्रैपे होता है बेसिकली ठंडा जिसके अंदर आइस डालते हैं और कैपेचिनो होता है गर्म। सो स्टारबक्स से बहुत सिप लेकर देखते हैं। दिस वाज दी मोका कुकी क्रम्बल फ्रैपेचिनो। सो फ्रैपेचिनो और कैपेचिनो में डिफरेंस, फ्रैपे होता है बेसिकली ठंडा जिसके अंदर आइस डालते हैं और कैपेचिनो होता है गर्म। सो स्टारबक्स से बहुत वैरायटी ऑफ कॉफीज मिलती है। पर्सनली स्पीकिंग मुझे स्टारबक्स की कुछ कॉफीज काफ़ी अच्छी लगती है, लाइक अ जावा चे पर लाइक अ कोल्ड कॉफी, बट ये मैं फर्स्ट टाइम ट्राई करी, मैं आज से पहले ये कभी नहीं ट्राई की। एंड 500 रुपये की कॉफी मुझे याद है जब स्टारबक्स इंडिया में आया था ना, तो मैं नानी को लेकर आई थी स्टारबक्स, तो उन्होंने बोला इतनी महंगी कॉफ़ी, इतनी महंगी। तो यस, ये इतनी महंगी कॉफ़ी है पूरे 500 रुपये की। सो लेट्स हैव अ सिप। ओह गॉड। वैसे इससे बेटर मैं घर में बना सकती हूँ, बहुत आसान है इसको बनाना, लेकिन ऑन अ वेरी सीरियस नोट द टेस्ट इज अमेजिंग। मैंने उनको बोला था कि आइस कम रखना, बिकॉज पता क्या होता है कि जब आप कोल्ड कॉफी के अंदर आइस डालते हो तो वो पानी पानी बन जाती है जब आइस पिघलने शुरू होती है, तो उसके हिसाब से दे हैव मेड इट परफेक्टली जस्ट द वे आई लाइक। बट यार 500 रुपये की थोड़ी महंगी है, ठीक है, माना कि एम्बियंस वेम्बियंस भी है, बट स्टारबक्स है यार, इंटरनेशनल ब्रांड है, 500 की तो होगी, बट मैं शायद 500 रुपये हमेशा ना खर्चूँ, वंस इन अ वाइल इज फाइन। बट आप मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपको, आपने कितनी महंगी कॉफ़ी पी है। मैंने इससे महंगी कॉफ़ी पी है एक्चुअली, बट स्टारबक्स में ये सबसे महंगी कॉफ़ी है। आप लोग मुझे कमेंट्स में बताओ कि आपकी फेवरेट जगह कौन सी है जहाँ पे आप कॉफ़ी पीते हो। लाइक मैंने तो स्टारबक्स पहले मुझे बहुत अच्छा लगता था, अभी भी अच्छा लगता है, बट और भी इतने सारे कॉफ़ी ब्रांड्स आ गए हैं दिल्ली में, तो मैंने सोचा कि वो सब ट्राई किए जाएं। तो ये बेसिक मैं कहूँगी, ये बेसिक एक कोल्ड कॉफ़ी है जिसके अंदर इन्होंने चॉकलेट डाल रखा है, ये कुकी क्रम्बल डाल रखा है, आई थिंक ये ओरियो है, ओरियो है, ओरियो डाल रखा है तोड़ के, इसके ऊपर चॉकलेट सॉस डाल रखी है, व्हिपिंग क्रीम डाल रखी है, चॉकलेट क्रीम डाल रखी है, तो काफ़ी मिलाकर इन्होंने एक बेसिकली एक मिल्क शेक तैयार किया है कॉफ़ी शॉट के साथ, मैं ये कहूँगी इन सिंपल लैंग्वेज, बट बढ़िया है, कुछ डिफरेंट है। लाइक अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना पसंद है कॉफ़ी के साथ तो आपको बढ़िया लगेगी।